ड्रग्स और एनडीपीएस तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत असम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। असम पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। इस संयुक्त अभियान में बीते दिन नागांव जिले में 400 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान हसन अली के रूप में की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस और सीआरपीएफ ने गुप्त सूचना मिलने के बाद नागांव शहर में ये अभियान चलाया और हसन अली के घर से गांजा बरामद किया। हसन अली पूरे जिले में गांजा वितरण का काम करता था। बताया जा रहा है कि हसन अली नागालैंड के दीमापुर से कंट्राबैंड लाकर नागांव जिले में बेचता था। गौरतलब है कि असम में गांजा तस्करी का नेटवर्क काफी बड़ा है। म्यांमार में नशीले पदार्थ कई रास्तों से होकर असम पहुंचते हैं, जिनमें से ज्यादातर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से आते हैं। अक्सर पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में मादक पदार्थ बरामद होते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।